तो सूरज भाई अपने फिर भी अपन खड़े हुए हैं, ये लोग को रेड बुल मिल गया है तो ये लोग बैठ के पी रहे हैं और मैं यहाँ पे लाइन पे लगा हूँ। तो यहाँ पे स्टिक साहब और यहाँ पे भाई का सिस्टम हैंग कर दिया। तो यहाँ तुम्हारा भाई निकल चुका है और रात के टाइम बता दूँ तो आप लोग देख सकते हैं 3:30 बजे हुआ है और मैं जा रहा हूँ स्टेशन। बाकी स्टेशन जाके बताता हूँ कहाँ जाना है। और ये आ गए हम अब काली देवी के सामने, काली देवी मंदिर। जय हो माता रानी, जय हो। तो मेन रोड पे चलते हैं और मेन रोड पे चलने के बाद अपन को रिक्शा चाहिए होगा बिकॉज स्टेशन थोड़ी दूर है। एंड आप लोगों ने इस वाली रोड पे मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करते हुए देखा होगा, आज मैं पैदल जा रहा हूँ। तो चलते हैं मेन रोड और फिर देखते हैं मिलता है कुछ के लिए। चलते हैं और 4 बजे की है अपनी ट्रेन। और ये हम आ गए मेन रोड पे, पीछे खाली आगे खाली और हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर, जय हो माता रानी। अभी फिलहाल चल रहे हैं, पीछे से ट्रक आ रहे हैं। तो अगर रिक्शा नहीं भी मिला तो अपन पैदल पहुँच जाएंगे। रिक्शा मिलने के आधार हैं बाउला चढ़ा के, बाउला चढ़ा कर रिक्शा मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी अपन चल रहे हैं। बेटा भोंक दिया ना, दौड़ा के मारूँ तुम्हें वो पुलिये के अंदर। और पीछे से ट्रक आ रहे हैं और मैं उल्टी साइड चल रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने भैया से सीखी है बिकॉज अगर मैं उस साइड से जाऊँगा तो अपना बैक होगा उस साइड, इधर से जाऊँगा तो जो भी सामने से वाहन आएगा उसको मैं फेस कर पाऊँगा और भी किनारे हो सकता हूँ। लेकिन अगर उस साइड से जाऊँगा तो मेरे को बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा क्योंकि जो जाने की रास्ता होती है वो उस साइड से होती है। तो जितने वाहन जाते हैं उधर से जाते हैं, तो पीछे से कोई वाहन ठोंक सकता है रेस का, इसलिए अपन यहाँ चलेंगे। तो ये वाली सामने की रोड है, अगर यहाँ से कोई आएगा वाहन तो अपन और किनारे हो लेंगे, एटलीस्ट दिखता तो रहेगा। तो काली देवी मंदिर के पास अपन को चचा मिल गए हैं तो अपन रिक्शे पे बैठ गए हैं और यहाँ पे भी आंटी आ रही हैं बैठने के लिए। फिलहाल अपन तो हम आ गए और चचा की बीड़ी अभी थी उसमें। इतना हुआ, कहाँ गए मेरे लौंडे, नहीं दिख रहे। अच्छा। अभी आ गए हम स्टेशन के पास, दे देते हैं अंकल को पैसे 50 रुपए, चेंज नहीं है देते हैं, हो जाएगा एक्चुअली। तो ये आ गए हम स्टेशन के बाहर, चेंज नहीं थे यार तो चॉकलेट ले ली है 10-10 की 10 रुपए अंकल को देने थे। ये बजरंग बली का मंदिर, जय हो। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कहाँ है वो लोग, अंदर ही होंगे शायद। तो अंदर और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आगे का बन रहा है। उनको अंदर ढूंढ रहा था, वो लोग बाहर आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं। वहाँ फोन लगाया तो कह रहे हैं बाहर। चलो गिफ्ट दे देता हूँ उनको, खुश हो जाएंगे। अरे अंदर ढूंढे पड़ा वे, देख कितना बड़ा दिल है तेरे भाई का, देख सबके लिए चॉकलेट ले गए एक एक। चाट हो गए तभी तो सब कोई खाएगा साले। तो इसे आप जानते हैं। हाँ भे बाबूला चौक पास पहुँचा, मैंने कहा दूर है यार, थोड़ा चलने चलने में हालत खराब हो जाएगी यहाँ तक। ये तो आप जानते ही होंगे। तू है कौन रे? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। वहाँ पे एक अपना सब्सक्राइबर मिल गया, उस पेपर देने आ रहा था, कह रहा भाई वीडियो बनाते हो क्या? मैंने कहा हाँ। कह रहा यार वो एक बांदा में है ना मोटो ब्लॉगर का, मैं हूँ समझ रहे हो, फिर उसको चैनल दिखा कर रहा हाँ भाई सब्सक्राइब कर रखा मैंने। तो अपनी ट्रेन चल चुकी है गाइस, फोन अच्छे से पकड़ना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा ज्यादा महंगा है। बात तो सही है। हम लोगों ने टिकट नहीं लिया, बिना टिकट के चले हुए सब लोग। रोहन बताएगा। हम लोग जा रहे हैं एक बड़े से रिजॉर्ट में, वहाँ करेंगे हम होली वाली पार्टी। और अंकुश अंकुश बाकी ये बताएगा। हाँ बताओ अंकुश, मैं तो इसके बाद चला।
ये हमारे मित्र यहाँ पे मिल गए हैं, निशान भाई हमारे मोहल्ले में रहते हैं अलीगंज। ये यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, शक्ल देख के लग रहा है इसका यूपीएससी का एग्जाम देगा। आईएएस का। और ये वहाँ पे देख रहा है बॉम्बे सर पहाड़, साफ है साफ है। तो वहाँ से लथोड़ के भगा दिया गया इन लोगों को, पुलिस वालों ने वहाँ से भगा दिया लथोड़ के। तो बेचारे यहाँ पे जो का सहारा लिए खड़े यहाँ पे। मैंने थोड़ा अपना पहुँच बता दी थी मोटो तो कह रहे थे ठीक है। तो ये यूपीएससी वाले जैसे कुछ बोले नहीं, तो मैंने कह दिया था कि ये मेरे साथ है छोड़ दो इनको, तो फिर कुछ बोले। रोहन रोके हुए हैं ट्रेन को, रोके हुए हैं बीच हिला 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 हाँ हिली हिली ये 6.5 hours later। तो अभी टाइम हुआ है कितना बजा है, 10:30 नहीं 10:10 10:17 है और हम लोग लखनऊ के स्टेशन में पहुंच चुके हैं। और शकल मतलब पता नहीं कैसी होगी, तुम्हारी तो अच्छी, हम लोग की सड़क है वो पहले थी भाई तुम्हारी। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं स्टेशन से, निकल रहे हैं अभी हम लोग बाहर, फिर यहाँ से कोई चीज देखते हैं और फिर चलते हैं रागा रिजॉर्ट, जहाँ पे आज होने वाला है प्री होली सेलिब्रेशन। तो मतलब वहाँ पे अपने सूरज भाई आने वाले हैं, जो अपने यूपी के सबसे बड़े मोटो ब्लॉगर हैं, तो उनसे मिलने का आज मौका मिलेगा फाइनली। सुपर बाइक्स देखने को मिलेंगी, तो सारे लोग तो एक्साइटेड होंगे सुपर बाइक देखने के लिए। घंटा नहीं हुआ इसको पता नहीं ना, इसलिए ये नहीं है। अगर इसको पता होता तो ये होता। ये साइकिल F1000RR देखने को मिलेगी, जो अपनी ड्रीम बाइक है वो अपनी आंखों से देखेंगे और इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे होली का। तो चल के वहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल होने वाला है और कितना ही टाइम लगने वाला है हम लोग को वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कोई ऐसी चीज जो हमें वहाँ पे छोड़ सके, बिकॉज यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है रागा रिजॉर्ट। तो चलते हैं और फिर देखते हैं कितना लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने का पैसा एंड टाइम। तो यहाँ पे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं रागा रिजॉर्ट के लिए, एक्चुअली बहुत दूर है ना, सब लोग मना कर रहे हैं कि यार इतना दूर है कैसे लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए लोग मना कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप, तभी फिलहाल वेट ही कर रहे हैं, कुछ चीज़ मिलती है अगर तो चलते हैं, ऑटो मिल जाए, जीप मिल जाए, कार मिल जाए, कुछ तो मिले। तो ऑटो मिल जाए हम लोगों को, केला खाते हुए, क्योंकि एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे हम लोग, इससे एनर्जी मिली रहे अपने को। अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग और अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, अंकल जी हमें मिल गए और कह रहे हैं चलो छोड़ देते हैं 300 रुपये में 4 दिन, क्योंकि ज़्यादा दूर भी जाना है, 25 किलोमीटर होता है काफ़ी दूर। लखनऊ पर ट्रैफिक बहुत खतरनाक है भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, हर 4 किलोमीटर में एक ट्रैफिक मिल रहा है और रुकना पड़ रहा है, स्लो करना पड़ रहा है, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। जो चलते हाँ दिमाग में एक बात आ रही है, लखनऊ का नाम चेंज करवा के लखनगंज रखवा देंगे। बात तो सही है। सही ना, योगी जी तक बात पहुँचाओ, योगी जी तक बात पहुँचाओ, जल्दी करो। और लखनऊ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की रोड है, यहाँ पे अपन फोटो ब्लॉगिंग करें तो क्या ही मजा है भाई, नेचर यहाँ के देखने में आ रहा है। और यहाँ सुपर बाइकों के लिए रोड बहुत अच्छी है अपने लखनऊ की, हम लोग एक बार आए भी तो थे ना, बाइक के टीम आए थे वहीं तकड़ी, 3 घंटे में लखनऊ आए, पहुँचने ही वाले हैं और काफ़ी टाइम हो गया। ये यहाँ से मुड़ चुके हम लोग आइए देखते हैं, चल मजा आएगा भाई। ऐसी ऐसी जगह में 1000 RR कैसी चली होगी भाई, फुल माहौल भाई अंदर। ए भाई आ गए, तो फाइनली रागा रिजॉर्ट पैसे देते हैं और फिर चलते हैं अंदर अंदर।
एंट्री ले चुके हैं हम लोगों ने, अपना काम जो था पूरा खत्म करा दिया है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के फिर देखेंगे जो जो राजपूत जो जो राजपूत जलवा है हमारा। तो यहाँ पे सारे ग्रेटर्स और सारे लोग आ चुके हैं, जितने कुछ यहाँ पे बैठे हैं और कुछ यहाँ पे हैं, इधर हैं। तो अभी बस चालू ही होने वाला है और सूरज वर्मा भैया भी बहुत जल्द आने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मंचूरियन राइस विद रेड बुल। तो वहाँ पे सूरज भाई फोटोग्राफी करा रहे हैं और इसका की का जो फ्रेम है ये हल्का साइड में है। सूरज भाई जय श्री राम, सूरज भाई जिंदाबाद। तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए हम लोग को इसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा और इसके बाद की पार्टी होने वाली है अगले वाले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले वाले पार्टी।